Here comes the bop of reality shows, Mr. Daredevil Fakad Zaka. Wait till you see the... Oh, no. अरे भैया तुम्हें कब से क्या। जब ये वीडियो स्टार्ट हुई ना उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि यार अब तो कुछ डेयर होंगे, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा चला दिया भाई इन्होंने कि भाई पता नहीं अब कैसे कैसे डेयर कर देंगे ये लोग। और जो वकार जगह की एंट्री थी ना, ये ये जब एंट्री देखी होगी ना तो हर किसी को ये लगा होगा कि भाई अब तो कुछ हमें शो में नजर आएगा। लेकिन नहीं भाई नहीं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर साबुन में एलोवेरा नहीं होता, हर भरे हुए पर्स में पैसा नहीं होता, हर फुटबॉलर रोनाल्डो नहीं होता। चलो इस लाइन को छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। देखें आराम से कि ये है वो 1 करोड़ रुपया, ये वो खुशबू है जो आपके साथ जा सकती है आज। और हो सकता है इन नोटों को आप आखिरी दफा देख रहे हो। यहाँ पर ये वकार जगह ये साबित करना चाह रहा था कि यार वाकई में हम इतना बड़ा शो चला रहे हैं, हमारे पास वाकई में 1 करोड़ रुपए हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे भाई, देख लो एक एक करके देख लो सारे कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए हैं। लेकिन अब 1 करोड़ रुपए तुमने देखे हैं, तुम्हें चाहिए तो जो मैं बोलूं तुम्हें वो करना होगा। और मैं क्या क्या बोलता हूं, क्योंकि मैं तो वाकई में पागल हूं, मैं तो उल्टी सीधे कदे बोलता रहता हूं। आपने यहां आने के बाद इंट्रोडक्शन जब दे रहे होंगे तो बगैर म्यूजिक के आपने डांस भी करना है। वाह वाह भाई, तालियां भाई, क्या क्या ढेर दिया है इसने। एक एक बंदा यहाँ पर आएगा, अपने इंटरव्यू देगा और साथ में डांस भी करेगा। मतलब डांस करते हुए तुमको इंटरव्यू देना, ये तुम्हारा ढेर है। अबे भाई क्या हो रहा है ये, भाई क्या हो रहा है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिल गए हमको पागल बना रहे हैं। ये जो ढेर इसने दिया है ना, इससे अच्छा ढेर तो है ना ये लोग कर रहे हैं। आया कि लड़की टोट बहुत थी, मन में मची थी हलचल। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब, मैं हूँ आरजी विजय बिलाल और मैं करता हूँ स्टडी, हॉबीज है मेरी एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग और इस टाइप की मैं मॉडलिंग करता हूँ, क्या आप में से कोई नहीं कर पाएगा। रुको जरा मैं बताता हूँ किस टाइप की मॉडलिंग का इसको शौक है। लगा के गई। जब इस बंदे के पास से 1 करोड़ रुपए निकले थे ना, मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये पक्का कुछ चमन चिल्लो वाली हरकत करने वाला है। वो बापू भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। और इस बात पे शेर का खात्मा करूंगा कि हम तो उनकी नजरों में भी अदाकार हुए जो हमको देख के फंकार हुए। ये कोई शेर है, लगाओ भाई इसके लिए एक शेर लगाओ। मैं तुम पर नहीं तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ, मैं तुम पर नहीं तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता। और मैं हूँ जट जो मरने को तरजीह दे देगा लेकिन हारने को नहीं। यार एक और मरता लगाओ भाई इसको यार। और मैं हूँ जट जो मरने को तरजीह दे देगा लेकिन हारने को नहीं। अरे भाई यार ये लोग क्या कर रहे हैं भाई। लेकिन अगर देखा जाए ना, इनमें से किसी की भी गलती नहीं है भाई, डेयर इतना जबरदस्त दिया है भाई इन लोगों को। भाई ये शो किस लिए बनाया गया, ये शो को इन्होंने इसलिए बनाया कि यस आपके अंदर जो टैलेंट है वो आप यहाँ पर आकर दिखाओ, अगर आपको पब्लिक पसंद करती है तो आप चैंपियंस कहलाओगे। ठीक है, टैलेंट तो ये होता है ना कि जो गॉड गिफ्टेड होता है, मतलब जो आपको आता है कोई आम बंदा इस तरीके से आसानी से ना कर सके, या फिर आपको अच्छा सिंगर हो, या फिर आपको अच्छा डांस आता है, या फिर इसके अलावा आपके अंदर कुछ टैलेंट है कि जो आम बंदा इस तरीके से आराम से नहीं कर सकता, या आपके अंदर कोई खूबी है, यही होता है ना टैलेंट। ये कौन सा टैलेंट है तुम्हारा। और मैं हूँ जट जो मरने को तरजीह दे देगा लेकिन हारने को नहीं।
लेकिन इन सारे सिचुएशन के अंदर एक लड़की बड़ी तेज निकली भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मारिया एंड आई एम फ्रॉम कराची। राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट, वैसे शौक शौक में मैं यूट्यूबिंग भी कर लेती हूँ, तो यार डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लो जी हो गया भाई, और क्या चाहिए भाई, नेशनल नंबर वन चैनल पर बोल दिया उसने जाकर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये होता है स्मार्ट वर्क, उसको मालूम है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो के ना हो, चलो एक जरिया तो है, यहाँ से कुछ सब्सक्राइबर तो आ ही जाएंगे। काश तो मैं नहीं कर सकती, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है और मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है। आप शादी में नहीं आई यहाँ पर कि आप जो आके बोलेंगे उस तरह का चेंज हो जाएगा, क्या बोला है? अस्सलामु अलैकुम भाई लोग, आपके भाई का नाम है जिशान अहमद और मैं हूँ हैदराबाद से, और मेरी हॉबीज में देखें मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, और ये शो मैं सिर्फ खेलने ही नहीं, आपका भाई जीतने आया है और ये शो इंशाल्लाह मैं जीत के जाऊंगा। देखें भाई बात सिर्फ 1 करोड़ की नहीं है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। हाँ भाई बात 1 करोड़ की नहीं है, बात ये है कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं 1 नंबर का पकड़ू बंदा हूँ। आप लोगों को नहीं मालूम कि पकड़ू बंदा किसे कहते हैं? यार पकड़ू बंदा वो होता है कि जैसे हम उंगली पकड़ा है ना वो हाथ पकड़ लेता है। मतलब यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट आए उन्होंने डांस किया, अपनी लिमिट में डांस कर रहे थे, मैं शर्माते हुए डांस करते हुए अपना इंटरव्यू दिया, ये तो बता कुछ ज्यादा ही। अब सीन यहाँ पर यह था कि दो लड़कियां इसको देख के ज्यादा हंस रही थी, तो ये समझा कि मेरे भाई डांस से इंप्रेस हो गया हंस रही है, और फिर इसने ऋतिक रोशन की तरह डांस करना शुरू कर दिया। और ये क्या तरीका है भाई सलाम करने का? अस्सलामु अलैकुम भाई लो, इस तरह जो जो मांगने वाले आते हैं ना वो भी इस तरह सलाम नहीं करते होंगे। ये बंदा यहाँ पर सिलेक्ट हो के ना हो, लेकिन यहाँ से जाने के बाद शादियों में जाकर ये डांस करके 1 करोड़ तो कमा ही लेगा। ज्यादा नहीं होगी, 150-200 बना लेगा शायद। और तू टेंशन ना ले, जब तू डांस कर रहा होगा ना सबसे पहले चमन्नी तेरे मुंह पर मैं ही मारूं। भाई देखिए मुझे तो शायस्ताना अंदाज और लहजे बड़े ही पसंद है। जब मैं घर के अंदर घुसी तो मैंने सुना माँ बहन बेटी भाई ऐसी वैसी उई हुई, कानों से धुएं निकल गए, न जाने कहाँ कहाँ से धुएं निकल गए, न जाने कहाँ कहाँ से धुएं निकल गए। हुई क्या बोल रही हो भाई, खुद को भी मालूम है। ऐसे लोग वो होते हैं कि जिन्हें कभी कभार इंटरव्यू देने का मौका मिलता है और बेचारे अपने होश खो बैठ के जो मुंह में आ रहा है वो बोल देते हैं, और उनको खुद को भी नहीं मालूम होता है कि हमने बोला क्या है। न जाने कहां कहां से धुएं निकल गए। कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। सोएंगे कहां, खाएंगे कहां, पिएंगे कहां, सिगरेट कहां स्मोक करेंगे, वॉशरूम कहां होगा। लेकिन जो मैं सोच रहा था कि लड़कियां कपड़े कहां चेंज करेंगी। जिस तरीके से तेरी जान है ना उसके हिसाब से ये सारी बातें तेरे जहन में ही आनी चाहिए। तुझे यहाँ पर आगे इसके अलावा करना भी कुछ और नहीं है भाई। यार तू मेरी बात सुन, दिन भर डुग्गे की तरह खाना खाते रहेगा, एक वक्त आएगा तू फट जाएगा। जिस तरह से तू बैठा हुआ है ना साले, ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर भैंसा बैठा हुआ हो। वैसे इस बंदे की आदत है ना सबसे अलग है, और देखो इसके जहन में बातें किसी किसी आ रही है। मुझे इस बंदे की हालत का ना इस वक्त अंदाजा हो गया था। अब यहाँ पर क्राउड में जितने भी बंदे हैं ना वो उसको चेयर अप कर रहे हैं जो इससे 1024 गुना पतला है, और भाई चेयर अप करेंगे ना वो तुझ पर भारी पड़ रहा था। अब जिस बंदे का काम यही सोचना है कि सोएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, पिएंगे कहाँ, सिगरेट कहाँ स्मोक करेंगे, उसकी हालत तो ऐसी होनी है। अब यहाँ पर जो मोटे लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि ये हमारे बारे में कह रहा है, लेकिन नहीं भाई मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रहा, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ जो चाहते हैं कि मैं अपना वेट लॉस करूँ लेकिन वो अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी केयर नहीं करते। तो भाई फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम दुग्गे की तरह दिन भर खाते रहोगे और फिर तुम बोलोगे क्या मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हुआ, तो फिर भाई मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, ये तो होगा। वैसे ये डेर के नाम पे दंगल का मैदान लगा हुआ है क्या? आपकी ब्रेकिंग न्यूज, आंखों में बंधे की पट्टियां, नजर कुछ आएगा नहीं और उसके बाद आपको कहेंगे घूमो घूमो, फिर वहाँ तक पहुँच के बैठना है। अबे ये तो वो गेम है जो हम बचपन में खेला करते थे, और अब यहाँ पर चैंपियंस बनने के लिए बड़े बच्चे खेलेंगे। ये सब घूमते हुए अब ये सब निकल पड़े हैं वहाँ पर बैठने के लिए, और किस तरह भाग रहे हैं आप देख रहे हैं। और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई एक बंदा भी सही जगह की तरफ नहीं जा रहा, सारे आउटसाइड ही जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये दोनों तो पार्क से बाहर ही जा रही हैं, और सामने इनके पिलर है और ये कहीं टकरा ना जाए, और ये गिर गई, ये मुगी गिर गई और ये टकरा गई। ओहो ये टकरा गई भाई, यहाँ पर जिस तरीके से ये टकराई है इनको देख के दर्द मुझे हो रहा है यहाँ पर बैठे बैठे। हाँ तो हमने सीखा है कि किसके गिरने पर और किसी के चोट खाने पर हमें हंसना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं हंसेंगे।
पहले जिस तरह की हरकतें करते रहे कि जिस तरीके से ऐसे लगा है कि अगर इसकी लंबी नाक होगी ना तो पक्का अंदर चले गई होगी। यार तारे जमीन पर। अब देखो भाई बात ये है कि यहाँ पर अब मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होते जा रही है, लेकिन इस शो का कंटेंट ही खत्म नहीं हो रहा। मैं अगर चाहूँ तो पूरे वेब सीरीज खड़ी कर सकता हूँ इस शो के ऊपर। और वैसे भी यहाँ पर रोस्ट गेमिंग की वीडियोस की तो रेड लगी पड़ी हुई है। लोगों को पता नहीं क्यों इस तरह की चमन चलो वाली वीडियो देखने में मजा आता है। अरे भाई यहाँ पर हम कॉन्टेंट ढूंढ ढूंढ के वीडियो बनाते हैं, स्क्रिप्टिंग सोचने में इतना टाइम लग जाता है, एडिटिंग के अंदर हम कम से कम 20 घंटे लगा देते हैं और जब जाके हमारी एक वीडियो बनती है। और यहाँ पर ये लोग इस तरह की चमन चलो वाली वीडियो बनाकर व्यूज ले जाते हैं। लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, तुम्हारा भाई इस तरह की सिचुएशन से करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ। कंडीशन ये होगी कि सब एक साथ दो ग्रुप है, सारे एक साथ बंधे हुए होंगे, खाना इनको मांग कर खाना है, ठीक है, लोगों को बोलना हमें चमाटे मारो, और तीसरा ये कि पुलिस वालों के पास जाके उनसे पैसे मांगने। तो इन्हें ये टास्क मिले हुए डेयर के नाम पर। जो प्लानिंग उस पे नहीं चल रहे हो, खाना खिलाओगे? खाना खिलाओगे? थोड़ा खाना नहीं, सही वाला, मुझे ज्यादा खाना है। तुम यहाँ पर जरा सोचो, एक अननोन पर्सन, वो भी लड़की, तुम्हारे पास आके बोले कि बात सुनो, तुम बोलोगे भाई उसको कोई काम होगा, कोई मुसीबत में होगी तो तुम उसको जवाब दोगे, लेकिन वो अगली सामने से तुमको ये बोले बात सुनो, खाना खिलाओगे? ओहो कितना मासूमियत से पूछ रही है, खाना खिलाओगे? बंदा इस तरह के चेहरे को देख के बोले थे चलो इनको मैं खाना खिला देता हूँ। और जब आप उसे खाना खिलाने लगो फिर वो ये इस तरह बोले, लो एक तो बंदा तुम्हें खाना खिला रहा है, ऊपर से तुम इस तरह बोल रहे हो इससे, फिर वो तुम्हें खाना खिलाएगा? गड्ढा सर, ओनली वन प्लेट की बात है सर, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट फॉर यू। नहीं बाकी आपकी मर्जी है ना, आप हमें दो बिरयानी की प्लेट्स खिला दें प्लीज। अच्छा एक कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ मैं थोड़ी आपकी? ये कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ, कसम से इनका दिल ये कर रहा होगा कि जो बिरयानी खा रहे हैं ना ये बिरयानी तुम्हारे मुंह पे मार दे। और खड़ा इस तरह वेटर किसी के पास आके ऑर्डर लेने नहीं आता। इन सब की सिचुएशन के ऊपर ये बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत फिट आएगा। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अब यार बस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मैं नहीं चाहता कि इस 2% के शो के लिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा करूँ। मैं इस 2% के सहारे जी नहीं सकूंगा, मेरे टके बढ़ा दो। हाँ तो इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार लाइक तो बनता ही है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार। तो फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए इमरान खान आई लव यू। लगे Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something.